कल आपने खुद देखा सागर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कल बहुत ज़्यादा भीड़ देखी यहाँ पे और हम भी हेल्पलेस थे क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हालांकि हमने साथ साथ उनको बोला कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है और एटलीस्ट हमारे पास हमेशा एक हफ्ते का स्टॉक रहता है। और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइमली डिसीजन लेके इस हड़ताल को टाला। तो साथ साथ हम डी सी साहब अनंतराज डी सी साहब के लिए बहुत मशहूर हैं, उन्होंने भी हमें कल हिदायत दी, देर रात उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी कैन वाले को या बोतल में तेल हम ना दें। और हमने आज से शुरू किया कि आज सुबह से ही हमने बिल्कुल कैनों में या बोतलों में तेल देना बंद कर दिया। लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि वो पैनिक ना हो जाए। हमेशा यहाँ पे कश्मीर में हमेशा 15 दिन का स्टॉक रहता है। एक तो हमारे साउथ कश्मीर के सभी पेट्रोल पंप से मिनिमम 4-5 दिन का, हफ्ते का स्टॉक रहता ही है। और श्रीनगर जो डिपो है, जो कल देवकान साहब ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि हमारे पास एटलीस्ट 15 दिन का स्टॉक है और लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें सागर साहब, मैं आपकी भी अपना ताउन चाहूँगा क्योंकि मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए। छोटी सी खबर को आप बहुत ज़्यादा बड़ी बना के फिर लोगों में पैनिक हो जाता है। ऐसी कोई बात ही नहीं थी, एक दिन के लिए हड़ताल हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, जब पैनिक होता है तो जिसको 5 लीटर तेल चाहिए वो 50 लीटर मांगता है। और हमारे पास स्टॉक लिमिटेड होता है, हमारे पास मान लो 4-5-7 दिन का स्टॉक रहता है। लेकिन जब एटलीस्ट हमारे पंप पे मैं ऑलमोस्ट 800 से 1000 कस्टमर रोज आते हैं। और कल हमने 9 से 10 हज़ार कस्टमर अटेंड किए। कहाँ से लाएंगे हम, आप बताइए। इतनी ज़्यादा भीड़, फिर सुबह से लड़के 7 बजे से लगे हैं, रात 1 बजे तक हमारे लड़के भी बेचारे भूखे प्यासे थे, इनको भी देखना है सर्दी के मयाम में। 14-15 घंटे इनसे हमने काम लिया कल, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई कल। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का, उन्होंने बड़े अच्छे से डिसीजन लेके इसको टाला। मेरी गुजारिश रहेगी, मैंने हमेशा कहा कि हमारे पास एटलीस्ट हफ्ते का स्टॉक रहता है हमेशा। अगर लोग रूटीन से, जैसे वो रूटीन में आते हैं 700-800 कस्टमर, 1000 कस्टमर हम भी अटेंड करते हैं हर रोज़, उस रूटीन में आएंगे तो कोई पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हर एक को मिलेगा। होता क्या है, जब पैनिक होता है तो लोग सोचते हैं कि मुझे 10 लीटर है, अब मैं 50 और ले लूँगा, घर में रखूँगा। गाड़ियाँ भर भर के हैं, फुल टंकियाँ करके फिर कैन लेके आते हैं। आज सुबह से हमने कैन में और बोतलों में देना बंद कर दिया। उस वजह से हमारे अभी भी चल रहा है, आप देख रहे हो कल से भी सेल चल रही थी, आज भी सुबह बड़े अच्छे से चल रहा है। लेकिन जितना प्रेशर कल था उतना प्रेशर आज नहीं बना, आज रूटीन में हमारी सेल है। एडमिनिस्ट्रेशन के, पर्टिकुलरली हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे डीसी साहब हैं उनके बहुत मशहूर हैं, उन्होंने देर रात तक वो बिल्कुल इस बात को मतलब खुद ही मॉनिटर करते हैं कि हर पंप पे लोगों को मुश्किलात ना हो। और हमने उनको पूरा यकीन दिलाया कि हमारे अनंतराज, पर्टिकुलरली अनंतराज डिस्ट्रिक्ट के सभी पंप्स पे कल पूरा दिन भी और कल देर रात तक सर्विसेज बहाल थी। और आज सुबह भी हमने दोबारा सर्विसेज शुरू की और ऐसी कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आई लोगों को, किसी भी मुझे नहीं लगता मुश्किलात हो गई। हाँ, इक्का दुक्का वाकत हो गए बड़े पंप्स पे जिनमें स्टॉक लेवल कम था, लेकिन हमेशा हमारे पास क्रिटिकल स्टॉक लेवल रहता है जो एमरजेंसीज के और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा वक्त रहती है।